सभी जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं सभी का वेलकम और जैसे कि हम लोग एवरी डे एक ट्रू अपडेट्स यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं तो आज भी हम लोग अच्छी अपडेट्स और जितना हमें पता होगा वो हम आपको ट्रूली यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे सो so, सभी जिनके भी कोई क्वेश्चंस हो कुछ भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज यहाँ पर अपना शुरू से ही क्वेश्चन रखिएगा ताकि हम लोग टाइमली आपको परफेक्ट तरीके से आंसर दे पाए So, uh, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी हम लोगों का टाइम जो है वो बहुत क्रिशियल चल रहा है और हम लोग लॉन्च हो चुके हैं चीजें हमारी प्रोसेस में है चीजें बन रही हैं तो ऐसे में हमारी फाउंडर की वैल्यू क्या है फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये चीज हम लोगों को समझनी बहुत जरूरी है और uh, यहाँ पर फाउंडर की वैल्यू समझ बताने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी चीज में एक्साइटमेंट अच्छा है बट ओवर एक्साइटेड नहीं होना है आप लोगों के पास शायद कल की न्यूज आ गई होंगी मुझे भी अभी कुछ देर पहले पता लगा है कि काफी फाउंडर्स ने हम लोग जबकि अनाउंसमेंट कर रहे थे लगातार कि कैंसिल मेंबरशिप का जो बटन है वो किसी को भी टच नहीं करना है हम लोग तो इतना भी बोल रहे थे कि आप लोग प्रोफाइल में नहीं जाइए लेकिन 10 से 15 फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कैंसिल बटन पर क्लिक कर दिया हो सकता है उन्होंने स्मार्टली स्मार्टनेस दिखानी चाहिए होगी कि देखते हैं कि इस बटन पर हो आ, क्लिक कर, कर होता क्या है बट अगर कोई कैंसल मेंबरशिप का बटन दिया गया है तो उसके शब्द को आप स... बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आती है आपको हिंदी में भी पंजाब राजस्थानी में भी मराठी में भी इंग्लिश में भी हर भाषा में अपने अपने स्टेट के हर जगह पर ये अनाउंसमेंट की जा रही है यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी इसका मतलब है कि आप लोग अपडेट नहीं थे तो आप ये सोचिए कि अगर आप लोग यहाँ पर फंस रहे हैं इतनी छोटी सी चीज में अगर आप गलती कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में मुकेश सर एप्पल एप्पल कर रहे हैं लोग लेकिन एप्पल आ जाएंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं कि हम लोगों को केवाईसी करनी पड़ेगी हम लोगों को इनकम टैक्स के पेपर भरने पड़ेंगे बहुत सारी चीजें होनी है तो वहां पर कितनी मिस्टेक्स करने वाले हैं लोग तो यहाँ पर प्लीज फ्रेंड चीजों को समझिए कोई गलती नहीं कीजिए ओवर वर्ड निकाल दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए ओवर क्वेश्चन ओवर एक्साइटमेंट ये चीजें निकाल दीजिए कंपनी के अपडेट के साथ चलिए जो डेली का अपडेट हम लोग यहाँ पर देते हैं बहुत अच्छे से दे रहे हैं हम लोग अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर उससे ज्यादा आगे मत जाइए बिल्कुल भी वो उसमें हम लोगों का ही नुकसान होने वाला है और फाउंडर वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो फाउंडर वैल्यू की बात आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आईडी लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं आज मेरे लाइफ पर कई क्वेश्चन कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए इस बात को कि हमें लाखों रुपया देकर भी वो कह रहे हैं प्लीज हमें आईडी दिलवा दो एक आई दिला दो हमारे घर चल जाएगा लेकिन हम मेंबर बन चुके हैं हमें अपनी वैल्यू नहीं समझ में आ रही कि हम लोग इतने ब्रांड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं प्लीज अपनी वैल्यू को समझिए हम लोग क्या है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि कंपनी के विजन को समझिए कंपनी विजन तो हम समझ गए कंपनी के वर्क को समझिए कि कंपनी का वर्क किस तरीके से काम कर रहा है और कितना टाइम लगेगा हमें ऐश सर को आगे आके ना बताना पड़े हमें खुद समझना चाहिए क्यों बताए वो क्या हम लोग यहाँ पे अपडेट नहीं है हम फाउंडर हैं तो इसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे यस यस सर मैम आपने बिल्कुल बहुत ठीक कहा हमने कल भी डिस्कस किया और हम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि एक फाउंडर की जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यू है उसको समझना बहुत जरूरी है कि कल कल भी जैसे हमने कहा था कि एप्पल पैसे आप बहुत आप बहुत कमा लोगे लेकिन जो वैल्यू है ना फाउंडर एक फीलिंग जो एक फाउंडर्स की फाउंडर क्या होता है फाउंडर एक कंपनी को जो एक बनाने में उसका निर्माण करने में बिल्ड करने में स्टार्टिंग में जो उसके हेल्प वो जो करते हैं हेल्प उसकी तो हम हम वो है हम तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए बहुत सारे लोगों ने किसी कहने पे फाउंडरशिप ले ली है आई एग्री कि इतने बहुत समय लोगों ने बिलीव नहीं किया लेकिन फिर भी किसी के अपने चाहने वालों ने किसी ने फाउंडरशिप ले ली है तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर ले लिए तो आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो प्लीज आप वेबिनार पूरे अटेंड कीजिए जो अपडेट आई अपडेट को अपडेट को देखिए उसमें उसका जो भी इंस्ट्रक्शन 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 है कंपनी के वो प्लीज उस को फॉलो कीजिए कंपनी से आगे मत भागिए कंपनी जो भी कह रही है उसको करिए जितना बोल रही है उतना सुनिए क्योंकि हम और आप जहां पे हम हैं हम जहां पे सोच रहे हैं कंपनी उससे पहले अभी आप मैं एक चीज बता एक कॉमन चीज बताना चाहता हूं कि पहले हमारे ऐसे थे जिनके हाथ में बहुत कुछ रहा करता था आई I मीन mean, अभी भी सब obviously, वो ऑब्वियसली वो उन्हीं के हाथ में सब कुछ है तो पहले वो अपना दिमाग भी चलाते थे आज भी उनका दिमाग चलता है लेकिन उनके नीचे जैसे कहते राजा होते हैं राजा के नीचे एक बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं तो उनको जो हेल्प और सजेशन वगैरह ये सब देते रहते हैं उनको तो वो अभी हमारे उनकी वो टीम पूरी बिल्ड है हमारी वो एक जैसे कि आप कम्युनिकेशन टीम मीडिया टीम कह सकते हैं अगर कुछ चीज़ है ऐसा चाहते हैं कि हमको देखो ऐसा बहुत ही काइंड हार्टेड है इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि वो शायद एक दो बार ही कभी उसमें गुस्सा हुए होंगे बहुत ही वो कभी ऐसे गुस्सा भी कभी नहीं होते क्योंकि वो उनका नेचर ही ऐसा है उनका विजन ऐसा है कि अपलिफ्ट द ह्यूमिनिटी ह्यूमिनिटी को हम अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं तो अभी जब बहुत सारी चीज हमको बताना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी क्या है वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि हम जो बाकी हमारी अटेक टीम है या हमारी कम्युनिकेशन टीम है ओ मीडिया टीम है तो वो कहते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है अभी इसको क्योंकि कुछ चीज़ें एक जब हम एक ऐसे कॉर्पोरेट वर्ड में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते हैं इसमें तो प्लीज़ अपने फाउंडर वैली को लोग पहचानिए और इसके साथ ही आप जैसे कि आपको पता है कि कल आ, हमारा थ्री था जिसमें हमारे रेड सर और क्रिस सर एंड टी लेते हैं उसको तो उसमें हमारे एस सर की एक अचानक से एक एंट्री होती है और वो काफी कुछ उन्होंने वहाँ पे अपडेट दिए हैं उन्होंने और आ, बहुत अच्छे ऐसे अपडेट नहीं है मैंने पहले कहा उनकी जो अपडेट है ना उनकी वर्डिंग जब भी कुछ बोलते हैं तो उनकी वर्डिंग में कॉन्फिडेंस है ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे आपको कि आपको ऐसा नहीं बोलेंगे डायरेक्टली कि कि आज ऐसा हो जाएगा ये लॉन्च हो जाएगा ये लाइव हो जाएगा क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं है मैंने ऑलरेडी कहा है वो बताना चाहते हैं वो आप सब कुछ खोल के रखना चाहते हैं हमारे सामने की हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे लेकिन टेक्नोलॉजीज है और और हमारे और भी कॉपरेट वर्ल्ड में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग नजर गड़ाए बैठे रहते हैं तो उन सब चीजों को हमें देख के चलना है तो ऐप ने जितने कल सॉरी कल जितनी भी हमें वर्डिंग में बहुत सारी चीजें बताई हैं उनको तो वो आप हम आपके सामने रखेंगे उसको तो यस मैम इसके साथ ही हमारे कुछ फाउंडर लोग हमारे जो हमें वॉच कर रहे हैं हमें आ, ये है आ, बक, सर धर्मेश जोशी सर यश कुमार सर सुवीन मंडल सर सर वेलकम आपका आप हमारे चैनल को यहाँ वॉच कर रहे हैं अपना प्यार देते हैं हमको जो, जो भी क्वेश्चन हो वहाँ आप रख सकते हैं आपसे किसी भी सर कोई भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आइए मैम हम कल की जो अपडेट है उसका थोड़ा सा yes. बताइए थोड़ा सा बिल्कुल सर ये जो 360 वेबिनार होता है ये लाइव स्ट्रीम होता है ये हमारे क्रिश सर और रेड सर और मार्टी डिगमो सर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है जहां पर कल हमारे ऐश सर भी लाइव थे जैसे कि मुकेश सर ने बताया तो जब हमारे ऐश सर आए थे उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात क्वेश्चन किया था एक्चुअली में उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि कॉर्पोरेट में हर बात शेयर नहीं की हर बात शेयर नहीं की जाती तो इसका क्या मतलब है इसका क्या ये मतलब है कि चीजें ढंग से नहीं चल रही हैं या चीजें बैक एंड पे काम नहीं कर रही हैं या ऐसा काम हो रहा है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आप क्या समझते हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था तो ऑब्वियसली दूसरा क्वेश्चन पर दूसरे आंसर पर हम लोग जाएंगे जस्ट वेट सर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो ऑब्वियसली हम लोग सेकेंड आंसर पड़ जाएंगे क्योंकि जब चीजें ढंग से चलती है और हमारा उसका रिजल्ट आना बहुत जरूरी है चीजें तो वेबिनार में जो कॉरपोरेट वेबिनार जो होते हैं उसमें फ्रेंड हर चीजें पब्लिकली नहीं की जाती है हर चीज बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं जो हमारे बैक पे काम कर रहे होते हैं हम लोगों को अगर वो चीजें नहीं बताई जाती हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉर्पोरेट वेबिनार में चीजें नहीं बताई जा रही हैं खुलकर चीजें दिखाई नहीं जा रही हैं तो यानी बैकएंड पे कुछ काम ढंग से हो ही नहीं रहा है ऐसे प्लीज अपने माइंड को हमें नहीं बनाना है तो ये एक क्वेश्चन था जो मुझे रखना था बहुत इंपॉर्टेंट था ये सर